हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं चेनसो मशीन है। जो इसमें जो थ्रेड रहता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो बार को और चेन को टाइट करता है। ये वाला जो प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या हुआ है, इसका जो थ्रेड है पूरा ख़राब हो चुका है दोस्तों। और ये वाला जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो नया मशीन है इसको 2-3 महीने यूज करने के बाद हमेशा किसी मशीन में आ जाता है दोस्तों। तो इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है आपको परमानेंटली सॉल्यूशन में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छा वीडियो है तो पूरा देख लीजिए दोस्तों। तो पूरा मशीन को आपको खोल लेना है पहले, तो मैं पूरा खोल लेता हूँ मशीन को, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर पूरा मशीन को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं मशीन पूरा ओपन हो चुका है। और इसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम बॉडी है, तो इसके अंदर जो दो थ्रेड रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा रस्ट आ चुका है, मतलब पूरा थ्रेड डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर दो देख सकते हैं स्टील का नट बोल्ट है, इसको लगा लेना है। तो इसको कैसे लगाना है यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, अंदर साइड से इसको लगा के बाहर को थ्रेड रखना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए मैं कैसा लगा रहा हूँ, आपको ऐसा ही लगाना है। तो यहाँ पे और एक काम करना है दोस्तों, क्योंकि ये घूमेगा अंदर से, जब टाइट करेंगे तो ये अंदर से घूमेगा। तो इसको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक छोटा सा जो प्लेट रहता है लोहा का, वहाँ पे रख के आपको वेल्डिंग कर लेना है। देख सकते हैं मैं पूरा वेल्डिंग कर लिया हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब बाहर से आप टाइट करेंगे तो ये घूमेगा नहीं, और दोनों के बीच में पूरा जो इसका पकड़ अच्छा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बहुत दिन चलेगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसे करके दिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे कुछ गम या कुछ भी अच्छा नहीं काम नहीं करता है दोस्तों। कोई भी आपको ऐसे वीडियो बना के दिखा देता है कुछ एरोल्डाइड या कुछ चिपका दो फिर आप टाइट कर लो, दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मैं आपको अच्छे से बोल रहा हूँ। ये वाला जो सॉल्यूशन मैं आपको बताया हूँ, इससे आपका जो प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मशीन का ऐसा कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मशीन को पूरा अच्छे तरह से फिटिंग कर लेना है। और इसके ऊपर और भी कुछ रिपेयरिंग का वीडियो चाहिए तो चेनसो के ऊपर हर टाइप का वीडियो है मेरा चैनल पर, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरा जो काम है आपको सीखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा मशीन को फिटिंग कर लेना है, फिर मैं आगे आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका नट लगा देता हूँ ऐसा ही टेम्पोररी। तो यहाँ पे दो कार्बन लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे चालू कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरह से मशीन चालू हो गया है फ्रेंड, ये देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, धन्यवाद।